समंदर तले दफन है एक ऐसा रहस्य जिसने ली हजारों जाने। इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी भी भयंकर दुर्घटना से भी भयंकर, जिसने न केवल भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना है उस जहाज की जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। सामान्य तौर पर तो आप टाइटैनिक को केवल फिल्म की वजह से जानते होंगे, पर आज हम पर्दा उठाएंगे टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया होगा। 14 अप्रैल 1912 की वो भयावह रात, कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाने वाला विशाल RMS टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में इस तरह से डूब जाएगा, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि कभी ना डूबने के दावे किए जाने वाले टाइटैनिक के दो टुकड़े हो गए? क्या इसकी बनावट में कोई खामी रही होगी, या फिर टाइटैनिक की तेज रफ्तार ने उसे डुबोया? आज के इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे RMS टाइटैनिक के हर एक पहलू पर। शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से। 10 अप्रैल सन 1912 का वो सुहाना दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था दुनिया के सबसे विशाल जहाज में यात्रा करने का। साउथहैम्प्टन, इंग्लैंड की वो जगह जहां हर अखबार और हर आम आदमी की नजरें टिकी थी। ये जहाज इतना विशाल था कि यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो ये किसी 80 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टिकट्स इतने महंगे थे कि हर कोई इन्हें नहीं खरीद सकता था। सर्व सुविधा युक्त इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। हर मुसाफिर उत्साह से भरा था और हर कोई अपने अपनों को इस जहाज के सफर पर छोड़ने आया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उन मुसाफिरों का आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विशाल जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए चलने को तैयार था। साउथहैम्प्टन से पहले चैनल को पार करके टाइटैनिक शेबॉग फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा। कुछ और मुसाफिर यहां पर सवार हुए और फिर वो चल पड़ा। अपनी यात्रा के पहले 3 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जहाज में सवार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हर क्लास के लोग जहाज की सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे थे। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक अटलांटिक के पार चल रहा था। सभी अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त थे, लेकिन उस चौथे दिन की रात को किसी का ध्यान मौसम की ओर नहीं गया। उस रात समुन्दर एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, टिमटिमाते तारों की रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ रही थी। सब कुछ इतना शांत था मानो जैसे ये शांति किसी तूफान के आने के पहले की हो। शांत समुंदर जितना खूबसूरत लग रहा था, ये उतना ही खतरनाक भी था। पानी में लहरें नहीं उठ रही थी, अगर उठ रही होती तो बर्फीली चट्टान से टकराकर झाग बना रही होती और क्रू मेंबर्स को वहां पर चट्टान होने का अंदाजा काफी पहले ही लग जाता। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर नहीं आई, उसे तो बस इतना दिखा कि बीच के कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे। उसे खतरे का अंदेशा हुआ और उसने 3 बार घंटा बजाकर संकेत भेज दिया, फोन भी लगाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकेंड्स बाद टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने थर्ड क्लास में सफर करने वालों को तो एक बड़ा झटका दे दिया था। हालांकि फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को तो इसकी भनक तक नहीं पड़ी, लेकिन थर्ड क्लास वाले समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत भयावह हुआ है। थर्ड क्लास के इकलौते चश्मदीद गवाह फ्रेडरिक बैरेट बताते हैं कि जहाज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। वो समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। देखते ही देखते ये खबर पूरे जहाज में फैल गई कि टाइटैनिक डूब रहा है। मुसाफिरों में हंगामा मच गया, छोटे बच्चे रोने लगे, हर कोई अपनी मौत को सामने से आता देख रहा था।
क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। लाइफ बोट्स तो लोगों की तुलना में एक तिहाई भी नहीं थी। ऐसे में मौत तो निश्चित थी, अंतर बस इतना रहा कि किसी ने इसके आने का इंतजार किया तो किसी ने मौत को आता देख खुद ही समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर ली। चारों ओर मातम का माहौल छा गया, लेकिन इस बीच कोई ऐसा भी था जो स्थिति को नियंत्रित तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की मौत को आनंददायी बनाया। वो था म्यूजिशियंस का दल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इन म्यूजिशियंस का दल अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। देखने वालों का कहना ये भी है कि जहाज टेढ़ा होते जा रहा था, मगर ये म्यूजिशियंस संगीत बजाते रहे। अफसोस की बात है कि अंतिम समय में भी दूसरों की खुशी के बारे में सोचने वाले इस 7 लोगों के दल में से कोई जिंदा नहीं बचा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया था, जिसके बाद 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट बाद कभी ना डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया, और उसके साथ ही डूब गए वो रहस्य जो इसके डूबने की वजह बता सकते थे। क्योंकि जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बचाया जा रहा था, तब महिला और बच्चों को पहले जाने का मौका मिला, जिस वजह से सुबह तक सेकंड क्लास के 92% पुरुषों की मौत हो चुकी थी और थर्ड क्लास की तो आधे से ज्यादा महिलाएं भी जिंदा नहीं बचाई जा सकी। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक को लेकर कई अलग अलग लोगों पर अलग अलग आरोप लगे। किसी ने कहा कि गलती कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की थी, क्योंकि वो बर्फीला इलाका जानते हुए भी जहाज को तेज रफ्तार से चला रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इज़मे पर आरोप था कि उन्होंने कम लाइफ बोट्स दी, और टाइटैनिक का डिजाइन तैयार करने वाले थॉमस एंड्रयूज पर इल्जाम लगा घटिया मटेरियल से कमजोर बनावट देने का, क्योंकि किसी भी जहाज के टूटने पर उसके 2 टुकड़े नहीं होते। कई जांचों और रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये तीनों ही आरोप बेबुनियाद थे। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। पर अब खोजकर्ताओं के सामने सवाल ये था कि ये जहाज डूबा तो कैसे? क्या टक्कर इतनी जोरदार थी? और अगर थी भी तो जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए? खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के अवशेषों, उसके टुकड़ों, उसके मलबों और इन सभी की पोजीशन से घटना का एक अनुमान लगाया, जिसे वे सही भी मानते हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार रात 2:15 पर टाइटैनिक का अंत शुरू हुआ। पहले टाइटैनिक का बाव नीचे आया, स्टर्न ऊपर उठने लगा, पूरे जहाज की बिजली चली गई, फनल गिर गए, बाव जहाज के डबल बॉटम पर टिका था। कुछ देर तो वो वैसे ही टिका रहा, लेकिन डबल बॉटम के टूटते ही बाव टूटकर नीचे तल पर जा गिरा। इस समय डूबता स्टर्न कुछ समय के लिए ऊपर आया। लोगों को लगा कि शायद ये फिर तैरने लगे, लेकिन एकाएक स्टर्न भी पानी में डूबने लगा। डेक हाउस ढह गया और स्टर्न भी डूब गया और अपने बाव से लगभग 800 मीटर दूर जा गिरा। इस तरह कभी ना डूबने वाले जहाज का अपनी पहली यात्रा में ही अंत हो गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि टाइटैनिक टक्कर के बाद जितना टिक पाया उतना आज तक कोई जहाज नहीं टिक पाया। टाइटैनिक ने तो 700 लोगों की जानें बचाई थी। तो दोस्तों,
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।